भाग्य कैसे निर्धारित होता है? हमने इस जन्म में जो कर्म किए हैं, ज्यादातर ये कर्म अगले जन्मों में फल दिखलाते। अगले जन्मों का प्रारब्ध हमारे इन्हीं कर्मों से डिटरमाइंड होता है। भगवान शंकराचार्य ने गीता के भाष्य में एक जगह बड़ी सुंदर ये बात कही, वर्णा आश्रमाश्च वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, आश्रमाश्च ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ एवं सन्यासी, स्वकर्म निरताः अपने कर्मों में लगे हुए, अपने कर्मों का पालन कर रहे हैं, कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, प्रेत्यो मरने के बाद स्वकर्म फलम अनुभूय अपने कर्मों के फलों का अनुभव करके स्वर्ग नरक इत्यादि में, तथा शेषेण उससे जो कर्म ऐसे बाकी रह गए हैं जिनके कारण से न स्वर्ग जाना है न नरक जाना है, वो जो शेष कर्म है विशिष्ट जाति वृत्त वित्त सुख में तो जन्म लभ्यन्ते, विशेष प्रकार की जाति कौन सी योनि में जाना है, कौन से वर जाति में जाना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, विशिष्ट जाति वृत्त क्या नौकरी करनी है, क्या काम करना है, वो भी उन्हीं कर्मों पर डिटरमाइन हो जाता है। वृत्त वित्त पैसा कितना मिलना है जीवन में, सुख कितना पाना है, सुख कितना देना है, मेधा बुद्धि कितनी मिलनी है, ये सारा का सारा पिछले जन्म के किए हुए जो कर्म थे जिनका स्वर्ग नरक का उपभोग हो चुका है उससे बचे हुए कर्मों के आधार पर एक तो मिलते हैं। दूसरा, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति यहां कह रहा हूं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने ये विश्व कर्म प्रधान बनाया, जैसा जो करेगा हाँ वैसा वो भरेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करे सो तस फल चाखा, जैसा करेगा। वो कबीर का भी एक है, कबीरा तेरी झोपड़ी गनकटियन के पास, कसाई रहते थे आसपास में कबीर की झोपड़ी के पास, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के भास पास, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भयो उदास। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका फल पाएगा, तू क्यों उदास हो रहा है, ये भाग्य बना उन कर्मों के आधार पर। परंतु भाग्य अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस पॉजिटिव और नेगेटिव को हम यहां के एक्शन से थोड़ा बहुत बदल भी सकते हैं। भगवान ने पशु को तो पराधीन बनाया, नाक में नकेल डाल के आदमी के हाथ में पकड़ा दिया जिधर ले जाओ। मनुष्य को बना करके उसके लिए शास्त्र बना दिए, शास्त्र कहते हैं ये कर्म करोगे इसका ये फल है, ये कर्म करोगे इसका ये फल है। इसलिए मनुष्य चाहे तो अपने अच्छे कामों से अपने बुरे प्रारब्ध को भी बदल सकता है, और मनुष्य चाहे तो अपने बुरे कामों से अपने अच्छे प्रारब्ध को भी बिगाड़ सकता है। दो दोस्त थे, मित्र थे, और एक उनमें बहुत ही दुष्ट प्रकृति का पापी, हर खुराफात करने वाला, दूसरा बिल्कुल साधु, मगर दोनों मित्र थे।
दोनों जा रहे थे इकट्ठे जंगल में से होकर के, वो जो धर्मात्मा था उसके पांव में एक कील चुभ गई और उसके पांव से खून बहना शुरू हो गए। उधर जो पापी था थोड़े दूर जाने पर उसे एक अशरफी मिल गई, मोहर मिल गई सोने की। वो कहने लगा उससे किससे, जो खराब स्वभाव वाला था, कि देखो शक्कर कोरे को शक्कर, मुझी को टक्कर, तू करता रहा धर्म का पालन, देख तेरे पांव में कील चुभ गई, और मुझे देखो कि मैं सारे पाप करता हूं, और देखो मुझे एक सोने की मोहर मिल गई, मैं मेरा महीने भर का खाने पीने का काम निकल आया। दोनों एक चलते चलते शंका तो उसको भी हो गई, धर्मात्मा को भी। दोनों चलते चलते एक आगे गए जंगल में, तो एक साधु की कुटिया थी, वहां साधु के पास चले गए और दोनों ने ये शंका उनके सामने रख दी, महाराज क्या बात है, मैं धर्मात्मा हूं तो मेरे पांव में कील लगी है और ये खून बह गया है इतना सारा, और ये उल्टा सीधा चलने वाला है तो उसको सोने की मोहर मिल गई। तो महात्मा ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके महात्मा ने उत्तर दिया ध्यान के से उठ करके, देखो भाई सच्ची सच्ची बात सुन लो, जिस समय पर तुम्हारे को कील लगी है तुम्हारे पांव में, उस समय तुम्हारा फांसी का योग था, तुमको फांसी में चढ़ना था, तुम्हारे अच्छे कर्मों से वो एक कांटे के रूप में, कील के रूप में उससे तुम्हारी छुट्टी हो गई, और जिस समय इसको वो सोने की अशरफी मिली है उस समय इसका राजयोग था, इसके उन कर्मों से वो इतने में इसका रह गए, एक अशरफी सोने की मिल गई उससे जा खत्म हो गया सब। तो इसलिए कर्म ठीक है, भाग्य भी ठीक है, परंतु मनुष्य चाहे तो अच्छे कर्मों से अपने बुरे भाग्य को ठीक कर सकता है और अपने बुरे कर्मों से अपने अच्छे भाग्य को भी बिगाड़ सकता है। इसलिए सावधान होकर के चलना चाहिए। मैं एक और बात कहा करता हूं, मानो मेरा ये जो ये जन्म है मेरे पिछले कर्मों के आधार पर है, तो मुझे कम से कम आगे के कर्म तो सुधार लेने चाहिए कि आगे तो गड़बड़ ना हो, वरना आश्रमाश्च, भगवान शंकराचार्य की पंक्ति मैंने पहले बोली, वर्ण और आश्रम अपने कर्मों का पालन करके जब मर जाते हैं तब अपने कर्मों का फल वहां परलोक में स्वर्ग नरक में भी भोगते हैं, और उससे जो बाकी रह जाता है उसके अनुसार उनका आगे का प्रारब्ध, आगे का जन्म, आगे की बुद्धि, आगे का वित्त, कितना पैसा मिलना है, कौन सा काम करना है, ततशेषेण विशिष्ट जाति वृत्त वित्त सुख वेदो जन्म लभ्यन्ते। इसलिए प्रारब्ध तो प्रारब्ध है और प्रारब्ध का निर्धारण ईश्वर ही करता है, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। तो फल की इच्छा जीव को नहीं करनी, फल तो ईश्वर देता है, परंतु उसमें भी यदि जीव सुधर गया और अपने आप को धर्म का के आचरण पर अच्छा करके चला रहा है, तो उसके इस जन्म के मैंने जो दुष्प्रारब्ध है मेटत कठिन को अंक भाल के उनको दूर कर सकता है। इसलिए कुछ अपने हाथ में है, कुछ उसके हाथ में है। हाँ, अपने हाथ में बनाना और बिगाड़ना भी अपने हाथ में है। बनाना चाहे अच्छा अच्छा सीधे सीधे चलो, और बिगाड़ना चाहो तो फिर
हाँ, कोई रोकता नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन को संयम में रखे, मर्यादा में रखे। गीता में भगवान ने कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न सुसिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परामगतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु विहार्हसि। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जो शास्त्र की विधि के अनुसार चलता है उसको तो सब कुछ मिलता है, परंतु जो शास्त्र की विधि को छोड़ देवे और मनमाने ढंग से, मैं इसे कहा करता हूं, आफ्टर डाइवोर्सिंग द इंजेक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, वन हु एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द अनट्रेन्ड इंपल्स ऑफ माइंड, वर्तते कामकारता न सिद्धिम अवाप्नोति, फॉर हिम देयर इज नो सक्सेस, न सुखम, नो कंफर्ट। यू वर अर्लियर सेइंग कंफर्टेबल एंड आई सेड व्हाई नॉट कंफर्ट चेयर, व्हाई कंफर्टेबल ओनली, न सुखम, नो सुख, न परम गतिम एंड नो सर्वेशन इवन। वन हु हैज डाइवोर्स द इंजेक्शंस ऑफ द शास्त्रास एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द अनट्रेन्ड इंपल्स ऑफ माइंड, यस, नो सक्सेस एनीवेयर, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। अर्जुन, देयरफॉर Let scriptures be thy guide in understanding what is to be done and what is to be avoided. क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें शास्त्र को प्रमाण मानो, मनमाने ढंग से नहीं। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, having known what the scriptures have ordained for you, commanded you to do, कर्म कर्तुमिहार्हसि, then you can act freely. But according to the scriptures. इसलिए भाग्य एक तो ऊपर से आता है, दूसरा जीव यहां उसमें फेर बदल का उसको अधिकार है यदि सीधा सीधा चले तो। परलोक को नहीं मानते हम, कुछ लोग कहते हैं हम परलोक को नहीं मानते, फिर हम धर्म का आचरण क्यों करें, हम धर्म का आचरण क्यों करें। आचार्य कुमारिल भट्ट ने बड़ी सुंदर बात कही है, इसे जरा ध्यान से सुनना। संदिग्धे पिच परलोके कर्तव्यो धर्म संचया, मानो परलोक के संबंध में संदेह है, स्वर्ग नरक है कि नहीं, जिसको संदेह नहीं वो तो धर्म का आचरण करे, जिसको संदेह है तो कुमारिल भट्ट कहते हैं संदिग्धे पिच परलोके, परलोक के संबंध में संदेह होने पर भी धर्म का पालन करना चाहिए, कर्तव्यो धर्म संचया। बोले वो क्यों, तो बोले नास्ति चेत, अगर मानो मान लिया तुम्हारी बात, मरने के बाद कुछ भी नहीं है तो लो हानि, हमारा तो कुछ जाएगा नहीं, हम तो सीधे सीधे चले, और अस्ति चेत, और अगर निकल आया तो नास्तिक को हता नास्तिक मारा जाए। सुनो, उस प्रारब्ध को बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं भाग्य को। इस पर एक छोटा सा उदाहरण हमारे पूज्य चाचा जी हुआ करते थे, वो बीच का फोटो है जी, वो दंडी सन्यासी स्वामी जी महाराज, MA LLB ICS एंड एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो बताया करते थे जब वो बनारस में पढ़ा करते थे अपने वक्त में, वहां पर एक रामावतार शास्त्री नाम के एक सज्जन थे, धोती बांधते थे, धोती के ऊपर शर्ट पहनते थे, शर्ट के ऊपर टाई लगाते थे, नीचे धोती ऊपर टाई और सिर पर हैट फेल्ट किया करते थे और सारा दिन भगवान को गाली देते थे, नास्तिक रामावतार शास्त्री। परंतु करते क्या थे, सुबह गए दशाश्वमेध घाट पर, गंगा में गोता लगाया, एक लोटा गंगा जल का भरा और विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर के विश्वनाथ जी पर चढ़ा आया करते थे।
तो एक दिन कुछ लोगों ने उनको पकड़ा है, ये दुरंगी चाल क्यों खेलते हो जब सारा दिन तुम भगवान को गाली देते हो, और फिर ये सुबह उठ करके गंगा जी में स्नान करके और लोटा भर करके विश्वनाथ जी पे चढ़ा करके आते हो। बोले भाई देखो, मेरे को तो लगता कुछ है नहीं, मगर अगर बाद में कुछ निकल आया तो ये लोटा बचा तो लेगा, इसलिए मैं ये करता। वो लोटा क्या है? प्रारब्ध तो उसका ऐसा बना हुआ है कि वो नास्तिक है, परंतु उसकी बुद्धि में वो एक लोटा घुस गया और वो लोटा विश्वनाथ जी पर गंगा जी का गंगा जल का चढ़ाता है, वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है। इसलिए प्रारब्ध है, परंतु केवल प्रारब्ध पर बैठे रहना बुद्धिमानी नहीं है, खुद भी कुछ करे। मैं कहा करता हूं, अपनी अपनी कर्तव्य में कमी न करे। जहां मनुष्य के कर्तव्य की सीमा का अंत होता है, कर्तव्य की प्रारब्ध की सीमा वहां से आरंभ हुआ करती है। डू योर बेस्ट, हाँ? इसलिए प्रारब्ध में प्रारब्ध है, परंतु प्रारब्ध में फेर बदल कर सकने की शक्ति मनुष्य में है, जरा ध्यान रखना। इस जन्म के पुण्य और पाप से प्रारब्ध में भेद पड़ता है। इसको मनु ने भी कहा है भाई, मनुस्मृति में क्या कहा? त्रिभिर वर्षई, त्रिभिर मासई, त्रिभिर पक्षई, त्रिभिर दिनई, अत्युत्कट पुण्य पापानाम यही वो फलमश्रुते। मनु बोले पाप अथवा पुण्य बहुत उच्च कोटि का कर दिया आदमी ने, तो उसका फल 3 साल में मिल जाएगा, यहीं पर, यही वो यहां पर। त्रिभिर वर्षाई, अति उत्कट पाप अथवा अति उत्कट पुण्य है तो उसका फल 3 साल में यही मिल जाएगा, और वो उत्कट है तो 3 महीने में मिल जाएगा, और उत्कट है 3 पक्षों में 45 दिन में भी मिल जाएगा, और भी उत्कट है तो 3 दिन में भी वो कर्म अपना फल दिखला देगा। त्रिभिर वर्षई, त्रिभिर मासई, त्रिभिर पक्षई, त्रिभिर दिनई ही। वर्ष वर्ष हो गया, साल हो गया 3 साल, त्रिभिर मासई 3 महीने में, त्रिभिर पक्षई 45 दिन में, और त्रिभिर दिनई ही 3 दिन के अंदर भी अगर पाप अथवा पुण्य उच्च कोटि का है तो फल दिखला, यही फल दिखलाता है। जो अपने कर्मों का फल यहां भी मिलता है और मरने के बाद भी मिलता है, प्रारब्ध में फेर बदल जो है वो संभव है। मनुष्य आगे बढ़े तो सफलता ही सफलता है। केवल प्रारब्ध पर ही नहीं रहना चाहिए, प्रारब्ध तो है, वो भोग भोगना पड़ेगा, परंतु वो भोग कम हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरी जगह पुण्य का फल, अच्छा फल, अच्छा प्रारब्ध जो है वो अधिक अच्छे काम करने से बढ़ जाएगा। इसलिए प्रारब्ध है, और मनुष्य के कर्तव्य का भी इस प्रारब्ध में संयोग है। भगवद आसक्ति से, भगवत बुद्धि से, भगवान के नाम का जप करता हुआ, अपने धर्म का पालन करता हुआ सीधा सीधा चले तो बिगड़ा हुआ दुष्प्रारब्ध भी सीधा हो सकता है।